पेट्रोल अस्ते बुलंदिये कीमते बेपनाहते मुशाहबते अतर अस्ते, यानी कि पेट्रोल इतर के बराबर उसकी कीमत जो है मुनासबत कर गई है। फारसी ऐसे नहीं, दुनिया की बेहतरीन जबान है। इस आज की इस मुशायरे में मैंने आपसे कहा था कि पीएचडी की है जिन्होंने गालिब के ऊपर थीसिस लिखे हैं, मोहतरमा मैं चाहूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें, मोहतरमा गुजे गुजे मोजे कलम शाहजहां गुलजार बेगम साहिबा। मैं सिर्फ गालिब साहब की वजह से यहां आई हूं, अदरवाइज मुझे किसी के लिए आने की जरूरत थोड़ी थी। मैं अपने जज्बात ख्यालात एहसासात का इजहार करूंगी, लेकिन ये मैं सिर्फ गालिब साहब के लिए करूंगी। खंडरात बताते हैं कि इमारत किसी जमाने में अच्छी होगी। मैं माफ कीजिएगा, आई साइड की वजह से ऐनक तब्दील करूंगी, क्योंकि मैं तो बस ऐनक बदल रही हूं, लोग तो आंखें बदल लेते हैं, शरीक हयात बदल लेते हैं। अर्ज किया है, अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, उसने सबसे पहले मर्दमशुमारी वालों से मेरे घर वालों की तादाद पूछी, फिर उसने हम सबको खाने पे बुलाया, फिर पूछा मेरा शनाख्ती कार्ड है। मैं डर गई, सहम गई, गैर शादीशुदा जो थी। औरत के मसाइल अभी तक खत्म नहीं हुए क्या? फिर उसने मुझसे पूछा कोई शनाख्ती अलामत है। मैं कह सकती थी हुस्न, मगर मैं नहीं बोली, ना जाने क्यों ये बात मेरे दिल को नहीं लगी। फिर उसने मेरे घर अपना मंशूर भेजा, जिसमें था नौकरी, घर, खाना, सब कुछ। फिर उसने मुझे अपने हलके में बुलाया, एक मीटिंग की कॉर्नर में, फिर अपने मुतालबे पे जिद करने लगा। बहुत अच्छा फुप्पी जान, आपने तो एक ही लफ्ज कहकर रू भी खेच ली। अर्ज करती हूँ एक बार फिर शुक्रिया। फिर अपने मुतालबे पर जिद करने लगा। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी है, तो बोला हलका तो मेरा है। बहुत अच्छा अम्मी जान, आपने बहुत अच्छी बात की है। सुभान अल्लाह, आपकी याददाश्त कितने अच्छे, इस उम्र में तो आदमी को अपना घर नहीं याद रहता है, आपको कितना दीवान याद, बहुत अच्छा है। तो बोला हलका तो मेरा है, पोलिंग स्टेशन तो मेरा है। मैंने कहा वोट तो मेरा है। मैंने आपको कुछ ध्यान में आ रहा है, आप पहले फोत नहीं होगी? अच्छा माफ कीजिएगा, फिर वो किसी और का जनाजा होगा। फिर वो जिद पे अड़ गया, मोहब्बत की कस्में खाने लगा, मेरी ही गजले गुनगुनाने लगा, और फिर मैं हार गई, वो जीत गया धांधली से। अब मैं घर में तीन बच्चों के साथ रहती हूँ और तीनों बच्चों को अपना वोट कहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपसे ये बात किसने कही? मगर अब मैं चाहती हूँ दोबारा कभी मेरी जिंदगी में इलेक्शन ना हो, क्योंकि मेरे तीन वोट हैं और उसकी चार शादियां, दस बच्चे हैं, मतलब दस वोट है। वो दोबारा गिनती में फिर जीत जाएगा और मैं फिर हार जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि घर की असेंबली दोबारा टूटे। औरत तो मजबूर है, अपनी घर की असेंबली में भी हार जाती है, प्यार की हद को पार करके चली जाती है। वफा की पुतली है, वफा की पुतली है, वफा करते करते मर जाती है। शुक्रिया। आप सबकी तरफ देख के पढ़े, सिर्फ मोहम्मद अली साहब की तरफ ही देख के क्यों पढ़ रही हैं आप? मेरी तरफ क्या देख रही हो, परवीन ने कहा है और कह भी सही रही है, औरों की तरफ देखकर भी पढ़ो ना, मुझ पे ही क्या नजरें गाड़ी हुई हैं। गालिब भाई की तरफ देख के कहो, तुम्हारे हम उम्र है वो। इन्हीं बातों की वजह से तुम मुझे खो बैठे हो।
تشریف لائیں گے اپنے مخصوص انداز کو لیے ہوئے جناب محترم دلاور فگار صاحب۔ دلاور فگار کا آپ کو آداب ہو۔ کلام عطا۔ جناب غالب، آپ کی خدمت اقدس میں ایک غزل پیش کرتا ہوں، عنوان ہے پانی کی شکایت کس سے کریں۔ کل گھر میں پانی نہیں آیا، میں نے علاقے کے ناظم سے بات کی، ناظم بولا قاظم سے بات کرو، قاظم سے شکایت۔ پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد۔